Hey everyone, what is up people? This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? Hi everyone, what's up मेरे शेरो? चोट लगी है पर सोशल. सुखविंदर जी ऐसी बात है. अच्छा ठीक है. आई थिंक यहाँ ICSE 10 से ज्यादा बच्चे CBSE के हैं, CBSE 10 से ज्यादा बच्चे 9th के हैं. विनायक जी नमस्ते, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया. Hi everyone, hey guys, what's up. Hey guys, this is Abhishek. आ रहा हूँ मैं आग लगाने. वाह वाह वाह, क्या इंट्रोडक्शन दिया. ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है. अच्छा क्या? अच्छा आता है, बाकी सब सही है. यार नोटिफिकेशन ऑन कर दो यूट्यूब पे. फिर यूट्यूब ने थोड़ा सा ना नोटिफिकेशन अपना बदल दिया, पता नहीं क्यों, बट ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि आजकल वो नोटिफिकेशन दिखा नहीं रहा हो सकता है. नॉट श्योर दो. ठीक है चलो, बाकी चलो कैसे हो? गुड आफ्टरनून शरण जी नमस्ते, थैंक यू सो मच. यस हाई एवरीवन क्या बात है. हर्षर देर? हेलो सर, इज हर्षर देर? हर्षर हियर? I'm not in the office, I'm in my house, है ना. और हर से मेरे घर पे क्या ही करेंगे. गुड जोक. What's up? I'm doing good. अर्मिता जी नमस्ते, क्या बात है. Hi everyone. असर मेंटी है क्या? नहीं बेटा, मेंटी नहीं है, सैडली सॉरी. हाँ चले जाओ, कोई बात नहीं. सब बढ़िया बेटा, सब बढ़िया. अरे माँ जी बहुत बढ़िया. अंजलि जी नमस्ते, सब बढ़िया. यस प्रिया जी, भूमि जी, हाय पीपल, सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू गाइस. सही है यार, टुडे इज अ बिग डे फॉर ICSE स्पेशली, क्योंकि भाई वी आर गोना स्टार्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर विच इज अवर हाउस होल्ड सर्किट्स, है ना. हाउस होल्ड सर्किट्स इज गोइंग टू बी द 9th चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आफ्टर दिस ओनली वन मेजर चैप्टर रिमेन्स विच इज योर हीट चैप्टर. हाउस होल्ड सर्किट्स इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी स्मॉल चैप्टर, विल बी डन विद दिस यू नो सेशन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन विद इन 2 weeks. दैट इज बिकॉज इट हैज ओनली 4 sessions, बिकॉज बाकी सारी चीजें एलिमिनेट हो चुकी हैं, वरना ये 6 sessions तो ज्यादा शायद. लेकिन अभी क्योंकि आफ्टर द सिलेबस रिडक्शन ऑफ ICSE 10th, दिस चैप्टर इज रिड्यूस डाउन टू जस्ट 4 sessions ऑफ 1 hour ईच, मैक्स टू मैक्स, इंक्लूडिंग मेंटी एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, 4 sessions में कर लेंगे. उसके बाद हमारा मेजर चैप्टर आएगा विच इज हीट. And after that, we'll be having our, modern physics, which is again a very small topic. बहुत सारी चीजें उसमें से भी निकाल दी गई हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा. तो बस इतना याद रखो बच्चों कि heat ही एक बस major chapter बचा है, और बाकी सारे तो बहुत ही interesting है ना. सर cool लग रहा हूँ, बड़े cool लग रहा हूँ. अरे हम तो हमेशा से cool थे bro. Thank you so much anyhow. Great. अरे पागल लागू क्या कर रहे हो पिनाकी जी? सब बढ़िया जिंदगी में. When is next CBSE one shot? On the time of CBSE, you know when I come for CBSE, na? I come for Tuesday on Wednesday on CBSE. Maybe the, you know, timings or the schedule of the teachers is going to change. I'll let you guys know about that. Don't worry, we are there. Chill, theek hai? Today's first session, as you can see on the screen, it is main circuit with fuse. Such a laddu topic, you know. The major topic today is fuse itself. And we'll talk about that, theek hai? Let me tell you the division which I have created for this, entire chapter to let you guys know ki exactly hum kya kya karne wale hai. तो ऐसे बिजली खड़कने वाली है सबके अंदर इस चैप्टर के बाद, क्योंकि इतना मजा आएगा ना इसमें, इतना मजा आएगा कि क्या ही बताऊं. बताता हूं, दिस आर दी 4 sessions ऑफ दिस चैप्टर. मेन सर्किट विद फ्यूज टुडेज सेशन, स्विचेस नेक्स्ट थर्सडे, अर्थिंग 3-pin प्लग एंड सॉकेट 3rd session, 4th session इज कलर कोडिंग एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस. एंड नन ऑफ दीज टॉपिक्स आर डिफिकल्ट, एवरी वन ऑफ दीज टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली सिंपल. You will see today कि कितना easy हो सकता है और चीज है ना, यही करने वाले हैं. ठीक है, करेक्ट, ओके. सो मेन सर्किट विद फ्यूज इज वॉट वी गोना डू, एंड वी गोना डू इट इन द फॉर्म ऑफ मेंटी अगेन. सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम मेंटी क्विज करेंगे एंड में, सेशन के एंड में. डो नॉट वरी अबाउट दैट, वी विल लर्न फर्स्ट वॉट इज मेन सर्किट विद फ्यूज, और उसकी कहानी समझेंगे. आज हम एक स्टोरी समझेंगे बिजली की, ठीक है, बिजली की हम स्टोरी समझेंगे, और स्टोरी के बाद विल गो फॉरवर्ड फॉर द मेंटी क्विज एट द एंड ऑफ द सेशन. सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. उस मेंटी क्विज में ICSE 10th में आने वाले सारे सवाल होंगे इस टॉपिक से इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द मेंटी क्विज, सो डोंट वरी. ये आज का हमारा कोट, ये कोट मैंने डाला था हमारे इंस्टा पे भी, अभिषेक सर अंडरस्कोर वेदांत इंस्टा आईडी, देख लेना वहां पे जाके डेली मोटिवेशन. आज सुबह भी मैंने डाल दिया एक पोस्ट. नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई. विशिंग इज ऑल्सो नॉट इनफ, We must do. काश वो हो जाता. काश क्यों बोल रहे हो, कर लो जाके, है ना. काश ये खरीद लेता, क्यों सोच रहे हो, खरीदो जाके, मेहनत करो उसके लिए, सिंपल एज दैट. काश मैं बोर्ड में टॉप कर लू, काश बोर्ड में पास कर लू, जाओ करो. काश क्या बोल रहे हो, है ना. डोंट विश, जस्ट गो एंड डू इट, दैट्स इट, करेक्ट. या दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. पिछले सेशन में होमवर्क था, होमवर्क रॉकर्स का नाम लेना जरूरी है. अनिकेत जी राम राम, वहां पे हो अनिकेत जी, जिंदा हो कि नए साल में बस ग्रेट जॉब अनिकेत, कंग्रेचुलेशन, वेरी वेल डन. राघव जी, अरे राघव जी होमवर्क रॉकर्स में भी
अरे राघव जी क्या कर रहे हो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके शानवी ग्रेट जॉब. शरण्या वेरी वेल डन. सिमरन जी अरे कंग्रेचुलेशन, तालियां हो जाए पांच बच्चों के लिए. शानवी वेरी गुड, शरण्या वेरी गुड, सिमरन वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, गुड जॉब. ठीक है आज भी 1 बजे अमृतसर का क्लास है क्या? है तो बताओ, लेट करेंगे आज भी. सही. अरे जोश दे व्हाट्सअप, है क्या क्लास? नहीं है. Yes, I as I said, Sanpala ji, we'll be having a mentee quiz at the end of the session, not right now. Okay? First we'll understand also circuits, then we'll go on to. And as I told every time to every one of you guys, if in case you're new, if in case know how the session goes, agar mentee ke liye sirf aate ho to mat aaya karo. Padhne ke liye aate ho, agar samajhne ke liye aate ho cheeze, fir aaya karo. Hai na? Sirf mentee ke liye aate ho to mat aaya karo. Fir kyunki aap aaoge bhi to aane nahi wale ho top 10 mein. That's for sure. Theek hai? Ready? Yes, when did I wake up? I woke up at 7:30 today. सही सही सही. चलो ठीक है कूल. तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए बच्चों, बल्ले बल्ले दे दो एक बार जल्दी से. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन को. और अगर सीबीएसई वाले यहाँ पे हैं, आपके लिए टॉपिक बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. फ्यू टॉपिक जरूर रेलेवेंट है, लेकिन बाकी सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में से डोमेस्टिक सर्किट निकाल दिया गया है. लेकिन अगर आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो ऑलवेज वेलकम. ठीक है बच्चों, बल्ले बल्ले अब स्टार्ट करते हैं सेशन को. आ जाओ. तो जैसा मैंने कहा, आज हम कहानी समझेंगे. We'll understand a beautiful story. The story is about the journey of our own electric current. Electric current, यानी कि हिंदी में बिजली. हमारे लिए बिजली कौन है बताओ? हमारे लिए इस वेदांतो 9th and 10th चैनल के लिए बिजली कौन है बताओ आप लोग? You know the answer for this question. हमने हर बार सिर्फ इसी इंसान का नाम लिया हुआ है हर बार. और बिजली कौन है बताओ? अरे शोभित जी बहुत बढ़िया. What's up, अवनीत? कौन है भाई? Exactly correct, विनायक. Exactly correct, आशा जी. बिल्कुल सही कह रही हो अर्चिता जी. शाबाश मेरे शेरों. Yes, आप नहीं बेटा, मैं कहा, मैं तो सलमान खान हूं ना चैनल का, है ना? आप ही ने बताया शादी कर लो शादी कर लो, मैं तो सलमान खान हूं. बिजली कौन है? बिजली हमारे एक ही इंसान है भाई, हर्षन. उनके सचिव देखना, ऐसे बिजली दौड़ेगी ना मजा आ जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी ऐसे, देखना आप जरूर. ठीक है तो हमारे हर्षन है. तो बेसिकली किसकी कहानी समझने वाले? हम कहानी समझने वाले हमारे अपने हर्ष सर की. तो सबसे पहले देखते हैं ये जो टॉपिक है, ये आईसीएसई 10 में बहुत डिटेल में हुआ करता था. इट यूज टू बी इन वेरी मच डिटेल एंड दिस यूज टू कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन. टेल द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर प्लांट टू योर हाउस एंड व्हाट आर द वोल्टेज कन्वर्जन करंट कन्वर्जन एंड एवरीथिंग. अभी वो सिलेबस में से नहीं है. अभी बस इतना है कि बताओ करंट कहां से कहां जाते हैं, ये बता दो. बस इतना बता दो. कहां से कहां जाता है बस दरवाजा, वोल्टेज करंट सब छोड़ो, ऐसे हो गया अभी. ठीक है तो अभी हम उस पे टिकेंगे. विल लुक इनटू व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर प्लांट्स गोइंग ऑन. शैल वी? चलो ठीक है. तो इट ऑल, तो हर्ष सर कहां पे पैदा होते हैं? हर्ष इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ पावर प्लांट. ऑफ कोर्स इट कुड बी हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, कोई भी हो, कोई भी पावर प्लांट हो, वहीं से बिजली आती है, वहीं से हर्ष सर निकलेंगे. करेक्ट. सो ऑल द बिजली कम्स आउट ऑफ पावर प्लांट. ठीक है, ऑल द बिजली कम्स आउट ऑफ पावर प्लांट. अब पावर प्लांट से निकलने के बाद कहां जाती है? पावर प्लांट में जनरेट होती है, वहां से भी ट्रांसमिट होनी चाहिए, सब जगह पे उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए. वो होता है थ्रू द ट्रांसमिशन सबस्टेशन. ट्रांसमिशन सबस्टेशन से ये सारी की सारी पावर प्लांट निकलती है, पावर प्लांट से बिजली निकलती है. तो हर्षर अभी बिजली निकल गई पूरी दुनिया में, अपना बिजली फैलाने के लिए हर्षर निकल चुके हैं पावर प्लांट से. उन ट्रांसमिशन लाइन से हाई पावर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिटिंग लाइंस के थ्रू वो आते हैं पावर सबस्टेशन पे. ये पावर सबस्टेशन कहां होता है? ये पावर स्टेशन होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में या तो आपके एरिया में. जरूरी नहीं है कि पावर प्लांट आपके एरिया में हो. पावर प्लांट शायद एक स्टेट में एक हो सकता है, एक स्टेट में या तो दो तीन हो सकते हैं, उससे ज्यादा पावर प्लांट नहीं होते हैं. उन दो तीन पावर प्लांट्स में से ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आपके एरिया के आसपास वाले पावर सबस्टेशन में आपकी एनर्जी यानी बिजली आती है, यानी कि हर्षर पहुंचते हैं. हर्षर वहां पे पहुंचने के बाद कहां पे जाते हैं? वहां पे पहुंचने के बाद आपके घर के पास वाले ट्रांसफार्मर पे आते हैं. ट्रांसफार्मर तो हमने हर कहीं देखा हुआ है, रास्ते में निकल जाओ दो तीन ट्रांसफार्मर ऐसे दिख जाएंगे, है ना? एवरी सिंगल हाउस हैज इट्स ओन ट्रांसफार्मर नाउडेज. एवरी सिंगल अपार्टमेंट हैव देयर ओन ट्रांसफार्मर. एवरी सिंगल कॉलोनी हैव देयर ट्रांसफार्मर. देयर आर टू काउज वॉकिंग ऑन दी रोड, दे ऑल्सो हैव देयर ओन ट्रांसफार्मर. Everyone have transformer in the world right now. और हर सर के पास तो फिर हजारों ट्रांसफॉर्मर है कि नहीं? बिजली ऐसे दौड़ती है मचाओ, क्या बोलूं मैं आपको. ठीक है तो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू फिर ऐसे उड़ते 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 वायर्स के थ्रू हर सर आपके घर पे पहुंचते हैं पावर लाइन्स के थ्रू.
Get it? That's the journey. That's the journey of your Harsh Priyam sir, starting from the power plant to your house. But घर पे पहुंचना काफी है? नहीं ना. घर पे पहुंचने के बाद घर के अंदर कहां जाते हैं वो भी देखना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे रूम में आएंगे वो, सिर्फ किचन में जाएंगे वो खाना खाने के लिए. सेशन में भी ऐसे ही करते हैं ना, वो सेशन में जब वो सेशन लेते रहते हैं ऐसे एक हाथ से चबाते ही रहते हैं बाकी हाथ से लिखते रहते हैं. नहीं देखा आपने? अरे पेड सेशन में रेगुलर क्लास में यही होता है. पेड क्लास वाले बताओगे इनको, पेड क्लास वाले बताओगे ना, वो हमेशा एक छोटा सा बोल लेके बैठ जाते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे ऐसे बोल लेके बैठ जाते हैं और ऐसे लिख रहे होंगे. तो बेसिकली किचन से उनको बहुत प्यार है, किचन से उनको बहुत प्यार है वैसे. ठीक है, हाँ सर लाइक्स ट्रैवलिंग. आई नो सर अभी ट्रैवल करके तो आए हैं, है ना. तो किचन से उनको बहुत प्यार है. और चलो किचन भी छोड़ दिया, मेरे रूम में आएंगे सिर्फ, नहीं ना. एग्जैक्टली कहां से कहां जाने वाले हैं वो समझना है हमें इस सिंपल से सर्किट के थ्रू. तो अभी हम नहीं समझेंगे, अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द वायर्स, देन वी मूव ऑन टू द फ्यूज, देन द मीटर, देन द स्विच, और अंदर घर के अंदर किस तरह कनेक्शन में अप्लायंसेस में कैसे कनेक्शन पहुंचते हैं उसको एक एक करके समझेंगे. सो आई होप पीपल पावर प्लांट्स लेके घर तक की जर्नी आपको समझ में आ गई है ना. तो सब लोग एक बार ज्यादा बल्ले बल्ले हो जाए, पावर प्लांट्स लेके घर तक की जर्नी एक बार बल्ले बल्ले बोल दो जल्दी से कम ऑन पीपल, लेट्स गो. ग्रेट जितेंद्र, दैट्स द पॉइंट. बल्ले बल्ले, या रेडी. ऑसम. आई एम सो सैड कि यू नो आईसीसी 10 आल्सो हैड ट्रांसफार्मर इन देयर सिलेबस. Transform was a very interesting topic. Sadly, that is also has been taken away from the ICT10 people. That's okay. Nothing can be done about it around. But yeah, anyway, you can see the previous year videos. Though you can find out the previous year videos of ICT10. I've taught you Transformer there as well. You can check it up. Okay, don't worry. Correct? Yes. Ready, people? Okay, let's move on now. Great. So now let's move on to the first thing. That are the wires. Now focus, people, because this is much more important than what you studied just now. I'm not going to take much time, but it's going to be really interesting. So just focus here. अब हर सर आपके घर में घुस रहे हैं. ट्रांसफॉर्मर वायर से आपके घर के अंदर घुसने से पहले it is going to pass through a meter. So before the meter, what happens? Before the meter, the wire which comes from the transformer, listen to this very carefully. The wire which comes from the transformer to your house. The wire which comes from the transformer to your house. This wire is actually called as mains. This is what is called as mains. Now this mains has multiple number of other wires. And that is what we need to be precisely clear about. So is multiple number of wires ko samajhne ke liye main aapko ek simple se example deta hu. Wo example ye raha aapke samne. Theek hai bachcho? Dekho ek wire hoti hai. Ek wire hoti hai jo battery se device ke paas jati hai. Aur ek dusri wire hoti hai jo us device se दोबारा बैटरी में आती है. दीज आर दी टू वायर्स. I'm gonna टर्न ऑन दी टर्न ऑफ दी ब्राइटनेस अ बिट. ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना. ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो. एक टाइप ऑफ वायर होती है जो बैटरी से डिवाइस पे जाती है और एक टाइप ऑफ वायर होती है जो डिवाइस से बैटरी पे आती है. ठीक है, तो देयर टू टाइप ऑफ वायर्स. आई एम गोना नेम दिस एज वन, आई एम गोना नेम दिस एज टू. नाउ प्लीज टेल मी इन दोनों वायर में से इनिशियली करंट कौन सा वायर कैरी करेगा टू द डिवाइस. टू द डिवाइस कौन सी वायर करंट कैरी करती है बताओ, पहला कि दूसरा? विच वन ऑफ देम? फर्स्ट और सेकेंड विच वायर टेक्स द करंट टू द डिवाइस? ऑफकोर्स द फर्स्ट वन. करेक्ट. सो टू द डिवाइस द फर्स्ट वायर इज टेकन बाय दिस वायर. करेक्ट. द फर्स्ट वायर टेक्स द करंट टू द डिवाइस. करेक्ट. सो वॉट वी कॉल दिस वायर एज, Since this is supplying the current to the device, we call this wire as the supply wire. We call this wire as the supply wire, or also more famously called as the live wire. The more famously called as the live wire. Why? Because this carries live current. Live Harsh Priyam. This battery carries live Harsh Priyam. Arrestanol carries dead Harsh Priyam. होता है, समझ गया ना? उसमें current होती है. ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मुझे बात बताओ, मान लो ये जो दूसरा वायर है ये नहीं होता. लेट्स इमेजिन दैट यू हैव द मोस्ट रोमांटिक पर्सन, दैट इज द इलेक्ट्रिकल बल्ब हियर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में से बैटरी यहां पे लगी हुई है और बैटरी के सामने यहां पे एक स्विच लगा हुआ है और ये जो वायर है, ये जो सेकेंड वायर है, वो खाली है, वो नहीं है. विल माई बैटरी, विल माई बल्ब ग्लो?
Let me see how many of you guys know the answer. Will my bulb glow? See, battery is connected to the bulb. Live wire is supplying the current to the bulb. Will my bulb glow? Batao. Bulb nahi chalta, Pinaki ji? No. Auspice ji nahi bol rahe, Kumari ji nahi bol rahe. Bahut yahan incomplete. Ah, Raga, very good. Sanya, no, 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 no. I can see 1 or 2 giving me yes. 1 or 2 giving me yes. Hey. Maar padegi bhi. Yes. You have to keep in your mind the answer for this question is absolutely no, sir. This circuit is an open circuit. So, isme aur switch off position mein difference kya hua fir? Hai na? Agar bulb jal jata, tab mera switch off bhi hota, to mera tube light jalta, fir fan jalta, fir. Hai na? Harsh Priyam sir, aise dorte rehte sab jagah hamesha. Agar switch off ki wajah se bhi electricity aati rahe to. Makes the sense, correct? So this circuit is a completely open circuit. So closed banana hota hai. Closed banana hota hai. ठीक है? और इस wire में क्या होती है? इस wire में ये जो current आपके battery ने दी है supply wire के through the bulb which has taken the current, now it gives back that current. This current now goes back to the battery. So what does this wire do? The second wire do? The second wire takes the current back from the bulb to the battery. That's what it does. So this is the return path of the wire. Return path of the bijli. Samajh mein baat? Is the return path of the current. It is return path of the bijli. And what do we call this wire as? This wire we call it as neutral wire. Now, why did I actually tell you about this separately and so, you know, deeply is because many people think it is neutral, sir. Neutral means no current. And then how do you say that it's going to take the current back? I know you're going to ask me this. Correct? How many of you guys have this doubt? So this is, then why is it called as neutral wire, sir? This is called as live wire, called this non-living wire. There's a living wire, there's a non-living wire, call it. How many of you guys have this? Why would you call it neutral? Hai na, Aniket ji, batao. Think about this, people. Why would you call it neutral wire? If that wire takes the current from the bulb back to the battery, it has current. Now, why do you call it neutral wire? You have this doubt? Okay, now let me tell you why it's the neutral wire. Imagine, if the circuit is off, if the switch is off, does this live wire still carry current? Think about it. Switch off hai. या तब भी ये जो लाइव वायर है मेरा उसमें करंट होगा सोचो करेक्ट ना होगा ना बिल्कुल होगा बैटरी से कनेक्टेड है सीधा इट इज कनेक्टेड स्ट्रेट टू द बैटरी इट शुड डेफिनेटली कंटेन द करंट सो व्हेनेवर सो दैट इज व्हाई वी से वेरी वेरी क्लियरली कीप दैट इन योर माइंड इवन व्हेन द स्विच इज ऑफ डू नॉट टच द सॉकेट और द प्लग विथ योर वेट हैंड्स बिकॉज द लाइव वायर कमिंग टू योर हाउस is carrying the current from the power plant or any transformer to your house. Doesn't matter you switch off the circuit inside your house. Doesn't matter. It's still carrying current to your house. So live wire, even if the switch is off, is carrying current until unless the power plant switch there is off. ठीक है? आपके घर में current आती रहेगी live wire की तो आप कितना भी switch off कर लो यहाँ पे tubelight का. Tubelight में current नहीं जाएगी अलग बात है. लेकिन आपके घर में live wire में current आती रहेगी. ठीक है, so that is why it is called as live because it is always have current, it is always living, it always has current. Now think and tell me, but if the switch is off, will neutral wire have any current? क्या neutral wire के अंदर current होगी? अगर switch off है तो, ये सोचो. For that the answer comes out to be no, correct? Yes, the neutral wire will not contain any current. If there is no switch on position. जब device के through current बाहर ही नहीं निकल रही है तो neutral wire फिर क्या current लेके जाएगा battery में वापस switch तो off है बात समझ में आई? So that is why it is called as neutral wire because when the switch is off, it is neutral. When the switch is off, the neutral wire is neutral. And hence that is the case why it is called as neutral wire. But when the switch is on, it acts as a path of the current to go back to the battery. So these are the two wires, people, which comes to your house through the mains. As I said, the mains contain wires which come to your house. These are the two wires which come to your house. Number one is, of course, the live wire, also called as the supply wire, which carry current to your house. And number two is, of course, the neutral wire, which carries current back to your mains. It completes the circuit.
Correct? And of course, these two wires must be maintained at a potential difference so the current can flow. Can anyone tell me what is that potential difference maintained at our houses due to which the current flows? What is the potential difference at our houses? Tell me. What is the potential difference at our houses? Tell me quickly. Maza aa gaya? Aniket ji, thank you so much. So, Subhijit, you will let me know your doubt. Hai na? Understood. Great, great, Ritvik ji. 220, exactly correct. We maintain 220 volts of potential difference at our houses, and that's a constant value throughout the country, and every one of us know that. This is a general knowledge question rather than a physics question now, correct? Exactly correct, people. So as I said, we have three types of wire basically. Two wires we've studied now. Earth wire will be considered in the upcoming sessions, not right now, okay? Because matlab nahi banta abhi. So the live wire carries is connected directly to the generators of the current supply company and comes to your house. It carries the current always. And the neutral wire is the way back of the current to the switchboard or mains or wherever it is going to be. Correct? Great. Awesome. So we have now done this part of this entire circuit. Abhi bijli jo hai, yani ki Harsh Priyam sir jo hai, aapke ghar ke darwaze tak pahunch chuki hai live wire ke through. Ab aage bijli ji kya karengi? Ab iske baad hamari bijli ji ghusengi sabse important, one of the most important devices for today's session, which is your fuse. Ab ye fuse kya hota hai? Ab ye fuse kya hota hai? Ye samajhna hai, hai na? So now let us try to understand ki what does this fuse do. Let me tell you let me tell you this in a very interesting way. What does the fuse do? It actually saves you from this. Does anyone want this to happen? Does anyone want this to happen? I know you want the schools to happen like this, hai na? Kitne bachche ke dimag mein sapne aata hai? Gosh, school jal jata. Kitne bachche ke dimag mein, sach batao. Honestly, tell me. How many of you guys think ki, aray, kaash ye school jal jata? Sach batao. Nahi sochte ho? Sochte ho ki nahi? Naughty. Don't lie to me. Don't lie to me. Anup sir used to think this. अनूप सर यूज टू थिंक कि काश हमारा पूरा कॉलेज जल जाता, ऐसे ही सोचते थे हमेशा, है ना? मतलब कॉलेज में बहुत सारे बच्चे सोचते थे वैसे, अलग बात है, बट हाँ सोचना नहीं है लेकिन, ठीक है? यू डू ना, यू डू, यस. सो व्हाट डज द फ्यूज डू? फ्यूज स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग दिस. फ्यूज स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग दिस, नॉट अस. फ्यूज स्टॉप्स दिस फ्रॉम हैपनिंग. एक और लंका दहन ना हो जाए उससे बचाता है. नाउ हाउ डज दैट हैपन? I really don't want you guys to be in this position inside the house. आग लग गई और नीचे आप बेहोश पड़े हुए हो, है ना? तो पहले ये बात समझते हैं कि ये हो कैसे जाता है सर. How can any house catch fire because of fuse not being there? Let us understand this. So भैया मुझे एक बात बताओ, जो आपके घर में वायर्स घूम रही है अभी, इधर सब जगह वायर है ना, आपके घर पे सब जगह वायर है, दीवारों के अंदर है, दीवारों के बाहर है, किसी का बाहर मतलब एक्सटीरियर है, किसी का इंटीरियर है, इन सब वायर्स के थ्रू क्या दौड़ता है? वॉट फ्लोज थ्रू ऑल दीज वायर्स? वॉट फ्लोज थ्रू ऑल दीज वायर्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बगीचा जी बिल्कुल सही कर रहे हो, है ना? वॉट फ्लोज थ्रू ऑल दीज वायर? लेट्स क्लैरिफाई दिस. करेंट फ्लोज थ्रू ऑल दिस वायर, बिजली दौड़ती है, करेक्ट? बिजली दौड़ती है, करेक्ट? ओके. नाउ कैन यू गाइस टेल मी वॉट इज द फॉर्मूला? वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ वन ऑफ अवर फेमस लॉस which we studied in the previous chapter, Joule's law of heating. What is the formula of that? I'm pretty sure, exactly correct, right? Who is that? Crystal, I think. Coastal is giving me the correct answer. Yes, it is. Yes, H is equal to I square RT, where H is the heat energy produced by the wire or the device, I is the current flowing through it, R is the resistance of that wire, T is the time taken of the current to flow through that wire. Right? We know this. So now my question to you is, what if, ड्यू टू सम रैंडम रीजन, मान लो एक दिन हर्ष प्रियम सर ने ज्यादा खा लिया, ठीक है? He has over eaten. He usually does, but let's imagine that he has over eaten it. And he's like, आज मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, तो अब मैं ज्यादा दौड़ूंगा बिजली की तरह. किसके अंदर? वायर के अंदर. तो एक दिन करंट आपके घर पे एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया. सो वॉट विल हैपन? द हीट विल ऑल्सो बिकम एक्स्ट्रा, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. So let's imagine that current increased 10 times. Current increased 10 times. Since H is proportional to I square,
H will become 100 times. Realize that? H becomes 100 times. तो यानी कि 10 गुना करंट बढ़ने की वजह से मेरा जो हीट है वायर में 100 गुना बढ़ गया. तो भाई 100 गुना जब मेरे अंदर मेरे वायर्स में हीट बढ़ गई, आपको लगता है कि आपका वायर ऐसे बैठा रहेगा, अरे बढ़ने दो कोई बात नहीं, मैं जूस पी लूंगा, ठंडक आ जाएगी दिल के अंदर. नहीं, ऐसा नहीं होगा ना यार. ऑफ कोर्स योर वायर विल स्टार्ट मेल्टिंग, योर वायर विल मेल्ट, इट विल कैच फायर, द डिवाइसेस विल कैच फायर, एंड देन बूम, ये होगा फिर. समझ रहे हो? सो व्हाट हैपेंस देन? द फ्यूज सेव्स योर हाउस फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा करंट which tries to come in your house, and this extra current phenomena is called as overloading of current. जहाँ पे current overload हो क्या जाता है, इसको कहते हैं overloading. Overloading is not there in the syllabus, but I'm just finishing that term ताकि बाद में question आ जाए. Overloading क्या होती है? अरे क्या होती है? सब बताया नहीं आपने. Overloading बोलते हैं उसको. ठीक है? When there is excess amount of current coming into your house which is not required. ठीक है? This fuse saves you from this overloading. Now let's see what happens. Now let's see how does it exactly does. ठीक है, everyone understood the importance of overloading, everyone understood the importance of this now. सर आप मुझे डरा रहे हो. आशा जी नहीं नहीं नहीं, सबके घर पे खतरा है, लेकिन सबके घर पे फ्यूज बना हुआ है और हम इंसान इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमने सिर्फ ना घर के अंदर फ्यूज रखा हुआ है, हमने हर एक डिवाइस के अंदर भी फ्यूज लगा दिया है. एवरी सिंगल डिवाइस नाउ हैव देयर ओन फ्यूज. तो डरो मत आप, अगर वो फ्यूज काम नहीं किया तो सारे डिवाइस के अंदर अपना फ्यूज लगा हुआ है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, रेफ्रिजरेटर हो, कैमरा हो, मोबाइल फोन हो, सबके अंदर फ्यूज लगा हुआ है कि वो फ्यूज जल जाएगा और आपका पूरा डिवाइस में इफेक्ट नहीं पड़ेगी. आग नहीं लगेगी, चिंता मत करो. ठीक है, आग नहीं लगेगी, चिंता मत करो आप. ठीक है, टोटली डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ फ्यूज एंड हाउ डज अ फ्यूज लुक लाइक. दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ फ्यूज. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द ट्रेडिशनल फ्यूज. लेट मी लोअर द लाइट अ बिट मोर, है ना. ओलाला, यस, मैं थोड़ा काला लग रहा हूं लेकिन इट्स ओके, यहां पे ध्यान देना. ठीक है, दिस इज द ट्रेडिशनल फ्यूज विच वी हैव. ट्रेडिशनल पुराना, नया फ्यूज भी आपको दिखाऊंगा, डरो मत. सो फर्स्ट व्हाट वी गोना अंडरस्टैंड इज, ये तो फ्यूज है सर, ये फ्यूज का प्लग है और ये सॉकेट है. जैसे आपका 2-pin plug 3-pin plug आता है जिसको आप सॉकेट के अंदर डालते हो, वैसे ही ये फ्यूज का प्लग है और ये फ्यूज का सॉकेट है. इसको घुमा के इसके अंदर ही डालते हैं. ठीक है, तो अभी इनका समझने की सबसे पहले कि इस फ्यूज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं. कंस्ट्रक्शन में है ही क्या भाई, कंस्ट्रक्शन में है ही क्या, पार्ट से देखो, सिंपल है. हर एक फ्यूज के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं ऐसे, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल्स. ठीक है, क्या कहते हैं, टर्मिनल्स. टर्मिनल्स के अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट दोनों को. ठीक है, और वैसे ही उसी फ्यूज के अंदर यहां से ऐसे, यानी कि मतलब यहां से ऐसे फ्यूज वायर दौड़ती है, दोनों टर्मिनल से एक फ्यूज वायर दौड़ती है. इस फ्यूज वायर की खासियत क्या है, इस फ्यूज वायर की खासियत यह है कि इस फ्यूज वायर की कंडक्टिविटी अच्छी है. इट हैज अ वेरी गुड कंडक्टिविटी, सो इट विल कंडक्ट करंट, बट इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. नोट दिस डाउन पीपल, द प्रॉपर्टीज विच द फ्यूज वायर मस्ट हैव इज हाई कंडक्टिविटी बट low melting point. Now why, sir, why should it have low melting point? We'll get to that. When we understand the working of this, we'll get to that. Don't worry. ठीक है? So high conductivity and low melting point. ठीक है? बाकी क्या? बाकी तो प्लास्टिक है. बाकी प्लास्टिक और सिरामिक है. ये फ्यूज का कैरियर है. इसको हम आउटर शेल भी कह लेते हैं. और ये उसका बेस है. ये सब में फर्क नहीं पड़ता. दिमाग रखना है कॉन्टैक्ट, टर्मिनल्स और आपका फ्यूज वायर पे. ठीक है? और फ्यूज वायर किस मटेरियल से बना हुआ? एक मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी हाई है, बट इट इज बट इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, आप लोग घर पे जाके अभी सर्च करोगे, घर पे अभी आप हो ना, गूगल में सर्च करोगे, फाइंड आउट करोगे कि कौन कौन से मेटल का इस्तेमाल होता है फ्यूज वायर बनाने में. कमेंट्स में मुझे जवाब देना, देखेंगे हम बाद में. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द फ्यूज वायर. काम कैसे करता देखते हैं. देखो यहां पे ध्यान से, वर्किंग ऑफ अ फ्यूज वायर. ये वायर है, देखो क्या हो रहा है वो. केयरफुल लुक इन इट, व्हाट्स हैपनिंग. यू हैव द फ्यूज वायर, इट बर्स्ट ऑफ. सी दैट, व्हाट्स हैपनिंग. डू यू हैव द फ्यूज वायर, इट इज बर्स्टिंग ऑफ. व्हेन इज इट बर्स्टिंग ऑफ? जब नॉर्मल करंट होती है. मान लो मुझे घर के अंदर 5 एम्पियर करंट चाहिए, 5 एम्पियर, या तो मान लो चलो कम से कम 4.5 एम्पियर मुझे करंट चाहिए. मेरे जो ट्यूबलाइट है, फैन है, जो नॉर्मल सारे डिवाइसेस हैं, वो 5 एम्पियर से कम एम्पियर करंट में काम करते हैं. कोई भी डिवाइसेस, वैसे छोटे छोटे डिवाइसेस, रेफ्रिजरेटर वगैरह 15 एम्पियर तक जानते हैं.
सारी बड़ी बड़ी डिवाइसेस 15 एम्पीयर तक जाते हैं, लेकिन मेरे जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, हमारा ट्यूबलाइट, फैन हो, बल्ब हो, जो भी हो, वो 5 एम्पीयर से कम है, मान लेते हैं 4.5 एम्पीयर पे काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरा फ्यूज लगाता हूं 5 एम्पीयर का। कहां पे लगाता हूं मैं, कहां पे लगाता हूं मैं, ये इन डिवाइसेस से पहले, इन डिवाइसेस से पहले मैं 5 एम्पीयर का फ्यूज लगाता हूं। क्यों लगाता हूं 5 एम्पीयर का फ्यूज, व्हाई डोंट यू पुट अ फ्यूज ऑफ 4.5 एम्पीयर इटसेल्फ सर, लेट मी गेट टू दैट। ठीक है, मान लो करंट आ रही है, मेरे डिवाइसेस मैक्सिमम 4.5 एम्पीयर करंट ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो फिर बूम, उससे कम हो गया तो फिर लो वोल्टेज बोलेंगे, उससे लो करंट बोलेंगे, फिर वो धीमा धीमा चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, लो वोल्टेज से काम नहीं बनेगा मेरा, हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है, हाई करंट पे काम करते हैं, ठीक है, तो 4.5 आ गया तो एवरीथिंग गुड, मेरा डिवाइस चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई, मान लो 4.4 से 4.7 हो गई, फिर भी मेरा डिवाइस तो है, जो है थोड़ा सा मेंटेन कर लेगा, उसकी थर्मल कॉपर वायर की थर्मल कैपेबिलिटी इतनी तो होती है कि 4.7 4.8 मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर वो 5 हो गया, अब थोड़ी दिक्कत पैदा होगी, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा हीट गोइंग व्हिच इज गोना प्रोड्यूस्ड। अब मान लो 5.2 हो गया तो फिर बूम। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरा फ्यूज मैं बनाता हूं 5 एम्पीयर का, ताकि अगर 5 से ऊपर चला जाए, 5 से ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा, मेरा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, और फ्यूज वायर जैसे मेल्ट हो जाएगा, आपका जो करंट सप्लाई है टू द डिवाइस वो बंद हो जाएगी, वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, आपके डिवाइस में करंट बिल्कुल नहीं जाएगी, आपका डिवाइस बच जाएगा। तो आप क्या करोगे अभी फ्यूज का, आप फ्यूज बाहर निकालोगे, इसका अंदर का जो वायर है उसको बदलोगे और दोबारा फिक्स कर दोगे, बस इतना ही है। फ्यूज को निकाला, वायर जो जला हुआ इसको निकाला, वायर नया फ्यूज वायर डाला और दोबारा फिक्स कर दिया, दैट्स ऑल यू डू, नथिंग एल्स यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, खत्म। ठीक है, अब आपका सवाल जो है, सर क्यों मैं 5 तक वेट करता हूं, 4.5 क्यों नहीं वेट कर देता। भाई मेरा डिवाइस 4.5 एम्पीयर से 5 एम्पीयर तक खुद सह सकता है, तो मैं क्यों 4.5 पे लगाऊंगा। अगर 4.6 का भी फ्लक्चुएशन हो गया तब भी मेरा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं बार बार जाके फ्यूज वायर चेंज करता रहूंगा क्या, वी डोंट वॉन्ट दैट, नो। सो दैट्स वाई वी कीप अ बफर, वी कीप अ बफर, देन वी हैव द फ्यूज वायर मेड। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दैट इज हाउ द फ्यूज वायर वर्क्स। हमारा जो फ्यूज वायर है, ये है नया टाइप ऑफ फ्यूज, इसको कैटरिज बोलते हैं, कैटरिज टाइप ऑफ फ्यूज बोलते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूज है इसके वायर आपको बदलने नहीं पड़ते, ये कैटरिज मिलता है आपको, वो कैटरिज सीधे डिवाइस में चला जाता है, वो कैटरिज बदलते रह सकते हो पूरा, और ये इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसका सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है, इट्स बेटर, और फ्यूज वायर को फिर मतलब बल्कि नहीं है, छोटे छोटे डिवाइस में भी जा सकते हैं। That's why it's called as a Catrice type of fuse. It's not there in your syllabus, but anyways, I'm telling it to you. The traditional fuse आपने देख लिया, ये Catrice type है। हाँ, ठीक है। अब बात आती है important. आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है सर, आप fuse को device से पहले तो लगा रहे हो, लेकिन device से पहले कहाँ लगा रहे हो? Road पे लगा रहे हो? हर सर के घर पे लगा रहे हो? बिजली तो वहीं से आ रही है। हर सर के घर पे लगा रहे हो आप? अमृतसर के घर पे लगा रहे हो? मेरे घर पे लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे हो आप? जैसे मैंने कहा, हर एक डिवाइस से पहले फ्यूज होती है, और वैसे आपके घर के अंदर भी, आपके घर के अंदर घुसने से पहले एक मेन फ्यूज होती है। ठीक है, हम उस मेन फ्यूज के बारे में बात करते हैं, बाकी सारे फ्यूज तो ऐसे ही काम करेंगे। वो जो मेन फ्यूज है, दैट वर्क्स ऑन, दैट इज फिटेड ऑन द लाइव वायर। हमारा जो मेन फ्यूज है, जो घर के अंदर घुसता है, उस लाइव वायर में हम डालते हैं मेन फ्यूज को, और मेन फ्यूज के थ्रू होकर ही फिर वो हमारे मीटर में जाते हैं, फिर मेन अप्लायंस में जाते हैं, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है, व्हाई फ्यूज इज कनेक्टेड इन लाइव वायर, व्हाई नॉट इन न्यूट्रल वायर? न्यूट्रल वायर में भी लगा दो, तब भी तो सर वो करंट ज्यादा हो तो फ्यूज हो ही जाएगा, तब भी तो हमारे डिवाइसेस बच जाएंगे। ऐसा है? आर यू थिंक सो? लेट्स फाइंड आउट। Let's imagine that the fuse is connected to the neutral wire. Let's see what happens. चलो, fuse को मैंने, ये live wire है, main से live wire आपके appliance में जा रही है, और appliance से neutral wire के through current वापस आ रही है mains में. ठीक है? तो मैंने neutral wire में लगा दिया अपना fuse. लगा दिया? चलो, अब मान लो करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया और मेरा fuse wire melt हो गया. देख सकते हो यहाँ पे fuse wire ना melt हो गया. अब मुझे बताओ, live wire में, याद नहीं कि appliance में करंट नहीं पहुंच रही? Think and tell me. लाइव वायर में और या तो अप्लायंस में करंट नहीं पहुंच रही क्या? पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बताओ, ये बता दो अब, यस और नो?
Yes or no? Does my appliance still have current? Because I think that was the definition of live wire which we already studied right now, है ना? हमने थोड़ी देर पहले definition पढ़ा है live wire का और हमने ये पढ़ा था, आप मानो ना मानो switch off होगा तब भी live wire में current होगी. तो live wire तो अभी भी break नहीं हुआ है, यानी कि appliance में अभी भी device आ रहा है. तो अगर हम में से किसी भी एक इंसान ने छू लिया live wire को तो फिर वो परमात्मा बन गया, है ना? फिर वो इंसान नहीं रहा, फिर वो परमात्मा के साथ जुड़ गया, वो हो गया, वो मेड इन हेवन हो गया, फिर वो पूरा चला गया, वो करेक्ट हो गया. फिर सही बात है, गेट द आइडिया वेरी क्लियरली. इफ समवन टचेस द लाइव वायर इट विल स्टिल हैव करंट, अप्लायंस इज बर्स्ट आउट, जल गया वो. सो दैट वाई देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर. वेयर डू यू नीड टू कनेक्ट द फ्यूज देन? इन द लाइव वायर, नॉट इन द न्यूट्रल, इन द लाइव वायर. सो व्हेन द लाइव वायर goes through overloading, the fuse melts. Now the appliance has no current going through it. Appliance is safe and anyone touches the appliance is not Paramatma, is Harshpriyam, smiling. That's a, Harshpriyam does not smile like this. That's how Harshpriyam smiles, right? Yes, Jai Shri Harsh. Jai Shri Harsh, correct? That is why the fuse wire is connected to the live wire. Ah, oh my God. People, I think first of all, you should give a huge round of applause because we have done. We are done with the almost, we are done. I'm going to take just 2 more minutes and we go into mentoring. So people, let's have a huge round of applause for now. Let's have a huge round of applause for each and every one of us here because all of you guys did fabulously well, fabulously well. So let me just quickly recap whatever we studied right now, because we studied a lot of stuff, correct, right now. We understood the journey of bijli from the power plant to your house. Okay? We also understood the journey of the, the bijli from the mains till the fuse. Now, there are 3-4 more parts, which that's 2 minutes done, correct? And we also understood the construction of fuse. We also understood the basic working of fuse as well. Why do we need a fuse? Everything we have understood. The different types of fuses also we have understood, right? So people, give me a quick balle balle, give me a quick tara rara jaldi se. हीट भी बढ़ेगा ना सर, अब बढ़ने तो ना जोश, लेकिन मेंटेन हो जाएगा ना. कॉपर वायर ऐसा भी तो नहीं कि 4.6 हो गया, हीट बढ़ गया तो उसी वक्त जल गया. इतने जल्दी नहीं जलता कोई भी चीज. सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है. अगर आप एक लिफ्ट में भी जाते हो, कितने बच्चों, कितने लोगों ने देखा हुआ है, लिफ्ट में अगर आप घुस जाते हो वहां पर लिखा होगा 650 मैक्सिमम वेट, 450 मैक्सिमम वेट, 850 मैक्सिमम, कितने लोगों ने देखा हुआ है बताओ जल्दी से. हाउ मेनी पीपल सीन दैट? Whenever you go get into a lift or an escalator, it is always written on that maximum weight 450 kg. या तो कोई hanging material लेते हो जिसमें कोई चीज रखना होता है, उसका भी अपना अपना maximum weight होता है, maximum load होता है. देखा हुआ है ना आप लोगों ने, correct? देखा हुआ है ना? और जो वहां पे लिखा हुआ है वो झूठ है actually. What is written on that? It's actually false. It's not true. अगर वहां पे lift में लिखा हुआ है 450 kg maximum load, the actual maximum load that lift can carry is 650 kg actually में. ताकि आप लोग 450 और वो जो 200 है उसको बफर रखते हैं वो, ताकि कोई गलती से भी 650 के आसपास ना जाए, 450 में रुक जाए. दैट इज वॉट दे डू एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ द वायर्स ऑल्सो वर्क. दे हैव अ बफर, दे हैव अ बफर. 4.5 इज द मैक्सिमम करंट. ऑफकोर्स आई विल मेक अ वायर विच कैन कैरी अप टू 5 amperes ऑफ करंट, वरना मतलब क्या बनता है ना? ठीक है, समथिंग नॉलेजेबल यू आर लर्निंग टूडे, ग्रेट. नाउ गेटिंग इनटू द वीआईपी पीपल, मेंटी में जा रहे अभी हम, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि भाई करंट कैसे निकालना होता है, करंट रेटिंग फ्यूज का कैसे निकालना होता है. सेम है यार, आपको पावर दिया जाएगा फ्यूज का, वोल्टेज दिया जाएगा फ्यूज का, करंट निकाल देना. करंट इज पता है आपको ना यार, ये मेरे बताना है क्या आपको, बताओ. पी इज इक्वल टू वीआई फॉर्मूले में बताना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आओ आप यहां पे हाउसहोल्ड सर्किट्स में. सो फ्रॉम दिस यू विल फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ करंट, पी अपॉन वी. नो, डू आई नीड टू टेल दिस? नो, यू हैव स्टडीड दिस विद इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल एज दैट. यस, नाउ दिस गोइंग बैक टू द टॉपिक विच हैव स्टडीड. Of course, we cannot have 5 ampere current going through all the devices. As I've told you the examples, tube light, small small devices like tube light, fan and everything works on a smaller current, which is 5 ampere current. So I will make fuses of 5 ampere for them. But the devices like refrigerators, microwave ovens, washing machines, big, big TVs and everything, like this screen also here, does not work with the smaller fuse of 5 ampere. No, it works with a higher amount of current, greater than 10. And for that, I cannot use a 5 ampere fuse because if a fuse jal jaye, current pahunchegi nahi fir. Hai na? That is why I go on to for 15 ampere circuits. Ye jo normal circuits hai,
लो करंट करंट रेटिंग वाले 5 एम्पीयर वाले इनको हम कहते हैं लाइटनिंग सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों, लिख दो इसको यहाँ पे, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं, सेलिना के टेक्स्ट बुक में नहीं है और ना ही सीबीएसई में है, तो लिख दो ऐसे कि जो 5 एम्पीयर वाले सर्किट्स होते हैं उनको हम लाइटनिंग सर्किट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लाइटनिंग सर्किट्स, ठीक है, कम करंट वाले, जल्दी जल्दी जो चालू हो सकते हैं, ठीक है। और जो 15 एम्पीयर वाले सर्किट्स होते हैं जिसमें 15 एम्पीयर का फ्यूज जुड़ता है उनको हम पावर सर्किट्स कहते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव दिस टर्म्स कॉल्ड एज पावर प्लग। सुना है ना, यहाँ पे बड़ा प्लग है, इसको हम पावर प्लग कहते हैं, मेन प्लग, पावर प्लग, ऐसे बोल सुनते हो, सुना आपने उन्हें? एवरीवन मस्ट हैव स्टडीड, आपकी मम्मी बोलती होंगी कि मिक्सी को या तो ओवन को पावर प्लग में लगाओ, टीवी को पावर प्लग में लगाओ, वॉशिंग मशीन को पावर प्लग में लगाओ। किसी घर में पावर प्लग होता नहीं है तो फिर जबरदस्ती बुला के लाते हैं इलेक्ट्रिशियन को कि यहाँ पे पावर प्लग लगवाओ, है ना, बोला जाता है ये, करेक्ट, बिकॉज दे नीड टू हैव मोर अमाउंट ऑफ करंट। थ्रू नॉर्मल प्लग्स ओनली 5 एम्पीयर करंट कम्स इन, करेक्ट। नाउ व्हाट आर दिस पावर प्लग्स, इफ इन केस यू डोंट नो, there will be one or the other switch in your house which will have a red light next to it or on it. How many of you have seen that? Pakka aapke ghar mein hoga jis jo switch mein jiske andar aise red light chamak rahi hogi, hai na, dekha hoga aapne? nahi hai to fir bhai ho hi nahi sakta. You must have a power plug in your house, ek na ek to zarur hoga, theek hai. That is what is called as a power plug, theek hai, get it? So those plugs through which 15 ampere current can come out, theek hai, great. So yeah, 5 ampere devices, lightning circuits, power circuits. Done? Yes. How many of you guys know what is this? Oh, we have crossed 660. Oh, we have crossed 650 likes. Oh, that, I didn't know that. People, let's hit the like button. I didn't focus. I was too much into... Aaj padhaane mein mast maza aa raha. Aapko maza aa raha hai na? Sahi. Kitne bachchon ne dekha hua hai? Dekha hua hai? Achha, naam bhi bata. MCB hai, sir. Ye MCB hai. Ye toh aapke ghar pe laga hua hai na, bhai. अगर आप नए जमाने के घर पे रह रहे हो, एक नए अपार्टमेंट में रहे हो, तो आपके घर पे लगा होगा ये, नहीं लगा तो फिर कम से कम जो ट्रेडिशनल फ्यूज है वो जरूर होगा। इसको हम कहते हैं MCB। ये क्या है MCB? सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन व्हाट इज दिस MCB? MCB फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाउ टेक दिस MCB एज द न्यू एज फ्यूज। व्हाई डू वी नीड दिस? सिंपल, इफ यू यूजिंग अ ट्रेडिशनल फ्यूज, इवन द कैटरेज फ्यूजेस, once it burns off, you have to go manually take the fuse out, change the fuse wire, put it back in, then the supply starts. Major circuit breaker mein wo sab ki zarurat nahi hai. When overloading of current happens, the switch turns off. That's it. Switch turns off. Awaaz aayegi aapko, agar aapke ghar pe hai, करंट ज्यादा हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो आपका आवाज आ गई टक, पापा बोलेंगे अरे हाँ यार ओ स्विच ऑन कर देना, बोलेंगे जरूर, आता होगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, सीधे जाके उसको ऑन करना है। जब ऑन करोगे अगर तब भी करंट ज्यादा होगा फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो आपको बार बार जाके वायर चेंज करना, ये करना वो करना जरूरत नहीं है। अब मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ढूंढना जरूर कि फ्यूज वायर में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वैसे ये भी ढूंढना द वर्किंग ऑफ MCB। दैट्स अगेन नॉट इन योर सिलेबस, आई रियली विश आई कुड हैव टॉट यू, बट इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है, बट देयर आर मेनी वीडियोस आउट देयर व्हिच कैन टीच यू दैट, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तो हो गया भाई MCB, या तो मैंने यहाँ पे जिफ बनाया हुआ है, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट एज़ वेल, करेक्ट। तो डन, यस। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट पीपल, ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड लाइव वायर थिंग, वी हैव कंप्लीटेड मेन फ्यूज, एंड वी नो दैट इट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर जिसमें आपका एनर्जी कंज्यूम जितना करते हो वो कैलकुलेट होता है। मेन स्विच यानी कि आपका MCB पे पहुंच चुका है, वो वही अभी बहुत लोगों का मेन स्विच होता है, MCB होता है मेन स्विच नाउ, तो स्विच ऑन कर दो करंट जाएगी, स्विच ऑफ कर दो करंट रुक जाएगी, करेक्ट। अभी सारे घर में मेन स्विच MCB होती है। उसके बाद आपके घर के अंदर अभी पहुंच गई, मान लो अभी रूम्स के अंदर पहुंच गई। नाउ वी ऑल नो दैट इनसाइड अवर हाउस ईच एंड एवरी सर्किट is actually connected in parallel connection. It is not connected in series connection. For of course, obvious reasons, we know that. What are the advantages of parallel connection? Parallel connection can have different switches for each and every device. Or unko individually aap turn on kar sakte ho. You don't want ki main jab fan on karu, mere bathroom ka geyser bhi on ho jaye. Hai na? Ya toh main ghar ke andar ghus raha hu aur wahan pe light on karu aur mere room mein dimchak speaker on ho jaye. You don't want that. Correct, you definitely don't want harsh preamps in all of your rooms the moment you turn on the switch. You don't want that, correct? You want them to be individually turned on, correct? Exactly. मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और मान लो मैं ऐसे डांस कर रहा हूँ और वहाँ पे कैमरा ऑन चल रहा है, you really don't want that. वायरल हो जाएगा फिर, है ना? Exactly. बेली डांस हो जाएगी फिर, so you don't want that.
So you can have different switches happening for with your parallel connection. Of course, in parallel connection, every device has same voltage also. That's again a wonderful thing and wonderful advantage of parallel connection. What are the disadvantages of using series connection? Exactly the same things. Voltage is not the same for series connection, and also you cannot individually turn on these circuits. It will have just one switch. Katam bhai. Katam. We are done. We are going on to the VIP right now. Yes. Mazaya bacho. Mazaya sabko. MCB with fuse. मेरे को तो काफी मजा आया यार. डिंचक हो गया एकदम. यस ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड इट. गेम में क्विक बल्ले बल्ले. यस वी आर डन शरण्या जी. एब्सोल्युटली. यस व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ एमसीबी. आई रियली विश राहुल आई कुड टीच यू बट अपेरेंटली इट इज नॉट देयर. अ सिंपल मैकेनिज्म इज की आई विल टेल यू इन अ वेरी स्मॉल ब्रीफ. बाय द टाइम यू गाइस ऑल जॉइन मेंटी, सो पीपल व्हाट यू नीड टू डू इज टू गो ऑन टू menti.com एंड यूज द कोड 2194172. है ना, द कोड इज ऑन योर स्क्रीन 2194172. वी विल बी गोइंग थ्रू 30 seconds. दैट्स इट. ठीक है साधिका जी. हाँ ठीक है. सिंपल तरीके में बता देता हूँ आपको. सो वॉट हैपन्स इज इमेजिन अ मैकेनिज्म जहाँ पे अगर एमसीबी मान लो ऑन है, करंट आ रहा है, सर्किट कंप्लीट है, करंट आ रहा है. ठीक है, जैसे करंट ज्यादा हो जाता है तो आपके सर्किट के अंदर एक छोटी सी डिवाइस होती है, करंट ज्यादा होने की वजह से वो गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वो फूल जाती है. तो फूलने की वजह से क्या होता है कि मान लो ये एक वायर है और इसके ऊपर एक और वायर है, ये एक वायर है. ठीक है, जैसे ये जो चीज है वो फूल जाती है, जो जैसे मेरा इंडेक्स फिंगर यहां पर फूल जाता है, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाती है. ठीक है, और जैसे वो नॉर्मल में आ जाती है फिर दोबारा ये जुड़ जाते हैं. दैट्स हाउ बेसिकली एन एमसीबी वर्क्स. मान लो ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है, इन दोनों को जोड़े ये बीच वाला एक प्लग रखा हुआ है. करंट ज्यादा हो गया इनपुट में थ्रू तो ये गर्म हो गया, मिडिल पार्ट जो मेटल है वो गर्म हो गया, वो फूल गया और ये डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा ठंडा हो गया तो दोबारा वापस आ गया. ऐसे काम करता है सिंपल तरीके से. बट डेफिनेटली चेक इट आउट. आर ऑल एमसीबी केपेबल ऑफ कटिंग ऑफ द करंट ऑन द स्पॉट? Josh, that's how the working of an MCB is. I suppose that's what they're supposed to do it. Great, sir. Code kyun likh do? Dikhai nahi de raha hai. Code Aniket ji, 2194172 hai. 2194172. Dikh to raha hai YouTube pe? Chalo. Theek hai. Haan, thank you so much, Bhumika ji. Yes. Like this session, Dhirendra ji. Chalo, kitne bachche naye hai yahan pe batao? I'm going to wait for 30 seconds more, fir main start kar dunga. Kitne bachche yahan pe naye hai batao? Thank you so much, Dhirendra ji. Means a lot. नहीं है, नहीं है अनन्या जी. रिंग सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है अभी. हे दिव्या, व्हाट्स अप? रॉन्ग टाइम. अरे इतने सारे बच्चे नए हैं, क्या बात है. नए बच्चों स्पेशली मजा आया. पुराने बच्चे यहाँ पे हैं क्योंकि उनको मजा आता है हमेशा, इसलिए मैं उनसे भी पूछ भी नहीं था. नए अगर पुराने बच्चों को मजा नहीं आया तो बताना मेरे को जरूर. नए बच्चों को मजा आया? बल्ले बल्ले हो जाए जोर से, तारा रारा हो जाए जोर से, है ना. यस, कंटिन्यू कमिंग इन ऑल दी सेशंस, रियली इंपॉर्टेंट, है ना. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट ऑल ऑफ यू गाइस यू नो गेट नोटिफिकेशन अबाउट ऑल द अमेजिंग सेशंस कमिंग इन. क्योंकि हम दिन में 5 से 6 सेशन हर दिन डालते हैं अलॉन्ग विद ऑल द अमेजिंग पुलर वीडियोस जो होता है आपका क्या बताते हैं स्पेशल वीडियोस जो होते हैं ना आपके स्ट्रैटेजी वीडियोस, टिप्स वीडियोस, ट्रिक्स वीडियोस सबके होते हैं डेफिनेटली. ठीक है, बताना जरूर. सही सर, फ्यूज से कोई सिंबल है ना बेटा? मार्क जी फिलहाल तो मेरे नॉलेज में नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे, है ना. रेडी? किसी एक कोई एक बच्चा बोल रहे सर मजा नहीं है, कौन है बच्चा बता देना क्यों नहीं आया. ठीक है, बताना देना जरूर. Subscribe, great. Starting people now. Let's start the countdown as always. Josh, 10. Knight, 9. Dhirendra, Pragya ji, 8. Sadhika, 7. Thank you so much, Sadhika. Kirti, 6. Prakash, 5. Vivek, 4. Ayush, 3. Auschwitz, 2. Devika, 1. Prasoon, 0. Starting right now. First question on your screen, people. All the best. All the best. The electrical appliance in house are connected in. Very easy question. We just finished that topic now. Series, parallel, either series or parallel, both series and parallel. Let me know quickly. Pranjal ji, namaste. Sir, aaj double nahi dala aapne. Asha ji nahi dala kya? Are sorry yaar, Asha ji. Dal denge. Aajao. Good morning. Night Gaming Club. What's up? High five, Nandini ji. High five. Menti is faster, Sanvi ji. Kya baat hai? Sir, why body of the fuse socket is made of porcelain? It is a better conductor. Porcelain is sort of ceramic or plastic. It is basically a good, it's a good
सॉरी बैक कलेक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, सो करंट या हीट बाहर नहीं आती, ठीक है. वाह हाउ अमेजिंग, क्या बात है यार, मचा दिया आप लोगों ने तो पैरा वाला, क्या बात है. किसी बच्चों को डाउट है आज के टॉपिक से डालते जाओ, क्विज चलते चलते सॉल्व करते जाएंगे. चिन्मय जी बिल्कुल सही बोला आपने, है ना सर. आपको 100 चॉकलेट भेजने आपके बर्थडे पे विद 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स. अरे थैंक यू सो मच रशिया जी, भेज देंगे हम. सर व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट व्हिच फार्मूला टू यूज फॉर ब्राइटनेस, फॉर ब्राइटनेस व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, पावर फार्मूला ना, पी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर. यप निजाम जी बहुत बहुत बढ़िया, निजाम जी आज सबसे ऊपर. अभी जी इज बैक, अरे इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग. अभी जी योर बैक, ग्रेट, रियली मिसिंग यू. पिनाकी जी ग्रेट, राघव जी ऑन द फोर्थ, अभ्युदय जी नमस्ते बेटा, निवेदिता जी, माधव जी, श्रीजन रेड्डी जी, केम शो सब बढ़िया. लीना देवारी व्हाट्सअप, हाई फाई, थैंक यू सो मच. मुस्कान जी इज ऑन द टॉप 10 एंड लुक एट द पॉइंट्स, 991, 89, 89, 88, 88, 87, 87, 86, 86, सो क्लोज, सो डैम क्लोज, इज़न्ट इट. क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन्स पीपल, क्लास 10 का सेशन कब होगा सर? अब बेटा सुफियान जी वो अभी और संडे को होगा, मैं बना रहा हूँ वीडियो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो वाला. बाकी क्लास 10 का सेशन हमेशा ट्यूसडे और वेनेसडे को होता है ना, मिस मत कर देना उसको. हाई फाई अंजलि, हाई फाई. टू सेकंड क्वेश्चन रेडी, मचा रहे हो, ये रहा आपके सामने. चलो कृति जी, आपने तो बोला था मेंटी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा सेशन में घुसने से पहले हाई बोलने से पहले आप पूछते हो मेंटी होगा सर, हाई तो बोल दो पहले, मेंटी के लिए आते हो मत आओ, इसलिए मैंने कृति जी बोला, ठीक है. इलेक्ट्रिकल मीटर इन अ हाउस रिकॉर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ चार्ज, करंट, एनर्जी, पावर. क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड, क्वेश्चन प्रीवियस ग्रेड नहीं, प्रीवियस चैप्टर, क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर. थैंक यू सो मच साई सिद्धार्थ. कीर्ति, हे कीर्ति व्हाट्सअप, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन इट वाज टेकिंग नेम्स टू वेयर इज कीर्ति, शी इज नॉट हियर टुडे. कैसे ज्वाइन करना है? इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन, गो टू menti.com एंड यूज द कोड 2194172. जो भी नए बच्चे हैं वो वैसे ज्वाइन करेंगे. menti.com पे जाओ आप, कोई भी मोबाइल ब्राउजर पे या तो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी menti.com पे जाओ, कोड डालो 2194172. करंट, आहा पीपल, या यू फॉरगॉट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, वी स्टडीड वेरी वेरी क्लियरली दैट योर मीटर, द KWH meter, रिमेंबर KWH इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, electrical energy, it is the energy meter, it measures the energy consumed by you, electrical energy, not the current consumed by you, remember that. Bolna nahi hai, hai na, exactly Shanvi ji, seriously KWH, bolna nahi hai na, correct. Anjali ji, lag gaya, nazar lag gaya aap logo, remember that. Meter does not, so the value which you get in the meter is amperes, huh? It's written in amperes there, it's KWH, no, what is KWH, kilowatt hour, is the unit of energy, nothing, something which you not should not forget. Great. So Nijam ji, Nivedita ji, Abhishek ji, are Abhishek sir one, Abhishek sir, fan wants high five, beta high five. Thank you so much, people. I am your fan, not, hai na? Shanvi ji, namaste. Atharva ji, Anjali ji, Arpita ji, Siddesh ji, Muskan ji, Prince ji bhi aage. Prince ji, bahut dinon ke baad aa rahe hai na? Kya baat hai? Aaj bahut dinon ke baad log aa rahe hai. Pre-board khatam ho gaya. Zindagi yaad mein aage abhi. Teesra sawal aapke samne. Thank you so much, Ratna ji. 18 ko hai waise. I know, right? Shashwat. तीसरा सवाल आपके सामने. In 3, 2, 1, ये रहा. सर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी क्या? बिल्कुल आएगी सुफिया जी, इस संडे को आ रही है. सर आप कौन सी सिटी में हो? बेटा मैं बैंगलोर में हूँ. आ जाओ. Which of the following wire is used to give written path of the current? Such a laddu question. Live, neutral, earth, both the live and neutral wires. बताओ. सर आपका फिजिक्स से लगाव कब बना? हमेशा से था यार, साइंस से लगाव था बहुत. तो मैं पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ाता था, यू नो, 2-3 साल पहले. उसके बाद फिर समझ में आ गया कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिजिक्स ले लिया बस. टाइम इज अप, लेट्स सी. वाओ, कैन यू इमेजिन, ऑल दिस क्वेश्चंस आर बोर्ड क्वेश्चंस एंड यू डूइंग इट सो लवली, ग्रेट जॉब पीपल. लगता नहीं कि मतलब मजा नहीं है आप लोग, है ना, योर फर्स्ट लाइव. अरे पसुप नमस्ते, शनमुखी व्हाट्सअप, वेरी गुड. वंदना, हाय वंदना. सो निजाम जी स्टिल ऑन द टॉप, अंजलि इज ऑन द सेकंड नाउ, शानवी जी इज ऑन द थर्ड, अर्पिता, थर्व, प्रिंस, सिद्धेश, रित, अभी एंड अनुश्री. अनुश्री हाउ आर यू, हाई फाई. ग्रेट, अनुश्री जी आ गए, अब मेरे को अभी दिख रही हो वहां पे चैट में, नहीं दिख रही थी, क्या बात है. सर 10th प्लेस से सीधा 62nd, कोई बात नहीं, मार्क जी हो जाता है जिंदगी में, है ना. चले आगे बढ़े, आखिरी 2 सवाल है. चलो एक बेट लगाते हैं, क्या कहते हो, बेट लगाए? 300 बच्चे खेल रहे हैं. अगले 2 क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि आप लोग 250 से ज्यादा बच्चे सही नहीं दे सकते, क्या बोलते हो?
300 में से 250 से ज्यादा बच्चे सही नहीं दे सकते हैं. मैक्स टू मैक्स 250. What do you say? You think that as a group you can beat me? Do you think as a group you can beat me? Yeah? Yeah? Yes, sir? Bet pakka? ठीक है? सही में? Done ना? ठीक है. अगर मैं जीता, तो हर सर के सेशन जब भी होगी, उनके सेशन में जाके आप लोग बिजली 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 करोगे. ठीक है? अगर आप जीते, तो मैं उनके सेशन में जाके बिजली 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 करूंगा. बेट बेट फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन, फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन. ठीक है? रेडी? बेट? चलो स्टार्टिंग. इज इट सो अर्नव? ओह ग्रेट. रेडी ना? चलो 3 2 1 इट्स ऑन द स्क्रीन. आ जाओ. क्विज का कोड ये रहा बेटा 2194172. अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर ऑफ डैश मेल्टिंग पॉइंट. High melting point, low melting point, medium melting point, either high or low. अरे इफ्ला जी नमस्ते. अभी देखा बेटा, दिख रही है. I don't know how to answer. Sanu, you have to join the mentee. I was giving the instruction. The instruction always on your screen as well. You have to go to mentee.com and use the code 2194172 to be in the quiz. I've been telling that from so time. है ना? So long time है ना? बता बच्चों. देखते 250 से ज़्यादा बच्चे सही देते हैं कि नहीं. 300 बच्चों ने वोट डाउन कर लिया है. Who won the bet? Abhishek sir. Who won the bet? Abhishek sir. Who won the bet? Abhishek sir. एक और मौका है आपके पास, एक और मौका है. अगर नेक्स्ट सवाल में 250 के ऊपर दे दिया तो हम दोनों करेंगे बिजली बिजली बिजली. अगर नहीं दिया तो सिर्फ आप करोगे अकेले में. ठीक है? हर सर के सेशन में चैट में जाके सिर्फ बिजली 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 करना, कर जब भी हो लाइव में, स्पेशली लाइव में. ठीक है? अगर आप लोग रेगुलर सेशन के बच्चे हो, वहां भी बिजली 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 कर सकते हो, कोई चिंता नहीं. ठीक है? अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर विद लो मेल्टिंग पॉइंट. वी स्टडीड दिस. हाई कंडक्टिविटी बट लो मेल्टिंग पॉइंट, समथिंग टू बी नोटिस डाउन. ठीक है? अरे अनुश्री जी ऑल द बेस्ट. ठीक है? चलो आखिरी सवाल आ रहा है आपके सामने, आखिरी सवाल. निजाम जी स्टार्टिंग से काफी मेहनत करते हुए टॉप पे हैं. आज लगता है कि निजाम जी जीत लाएंगे. अर्पिता सेकंड पे आ चुकी है, अंजलि जी थर्ड पे हैं, अथर्व फोर्थ पे हैं, शानवी फिफ्थ, सिद्धेश सिक्स, अभी फ्रॉम अभी ऑन सेवन, प्रिंस एथ, अनुश्री ऑन द नाइन्थ, एंड अक्षत जय श्री हत अक्षत जी ऑन द टेंथ पोजीशन. कांग्रेचुलेशन पीपल. मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे. आर यू गाइज रेडी? रेडी पीपल? या यू वांट टू सी इट्स गोइंग टू बी अबव 250 और नॉट? पक्का? ठीक है? आयु जी सर, अगर वोल्टेज या रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो वी स्क्वायर अपॉन आर ही होगा. अगर पावर निकालना है तो हाँ बेटा, अगर पावर निकालना है तो हाँ. ठीक है? अगर करंट, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और पावर निकालना है, या तो आप रिलेशन किसके बीच में चाहते हो, मेरे को क्लियरली बताओ पहले. रिलेशन किसके बीच में चाहते हो? सर आपको मैं 12 से ही हाई बोल रही थी. ऐसा अगर कीर्ति जी दिखी नहीं आप? नहीं 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 कीर्ति जी आप नहीं, एक और हमारी यहाँ पे कीर्ति है ना, उनकी उनकी बात कर रहा था मैं. ठीक है? सर लाइव वायर इज पॉजिटिव नेगेटिव? धनु जी लाइव वायर इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव. लाइव वायर कैरीज करंट. Now current in a wire is of electrons. That's all I can say. Current is not negative or positive. ठीक है? Actually I was having exams. लेकिन हम बोल देते हैं कि live wire is positive and neutral wire is negative. हम बोल देते हैं, but it's not true. Exactly. ठीक है? सही? चलो. Start हो रहा है आपके सामने भी पे. 3, 2, 1. Last question. Bet is on people. Bet is on. आ जाओ. So pre-boards are in February. So sprint ICC then please, please. बेटा मैंने बोला था ICC 10th का sprint is not for pre-boards. It's for board examinations. Correct? We are targeting boards. If in case you are worried about the, pre-boards, then definitely go through the Umang sessions. Definitely do that. ठीक है? लेकिन we are targeting board examinations here. Let's handle that. And you also have to target board examinations here. Not anything else. Target boards now. Two fuse wires are rated 5 ampere and 20 ampere. Which of the two wires is thicker? Oh, this is something which we did not study today. This is something which we did not study today. And let me see. Next session, Harshpriyam sir's session, whenever it is happening, I want bizzly, 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 bizzly written on the chat or in the comments. And I want, the spamming so much that he should end up asking you guys, bizzly, bizzly, kyun kar rahe ho?
अब एक्सप्लेन करोगे एंड यू शुड गिव मी अ कॉल सेइंग कि क्या कर रहे हो अभिषेक, तुम मेरी जिंदगी के साथ क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरी जिंदगी, ये होना चाहिए, बता दिया मैंने. नाउ लेट मी गिव यू द आंसर फॉर दैट. ठीक है, इमेजिन व्हेन द थिक वायर एंड इज अ थिन वायर, व्हेन मोर करंट पासस थ्रू इट, विच वायर विल मेल्ट अर्ली? टेल मी, इफ यू हैव अ थिक वायर और अ थिन वायर and 20 amperes of current passing through both the wires, which wire will melt easily? Of course the thin wire, hai na? Of course the thin wire will melt easily. Correct? There is no thick. Correct? Sahi bol raha hu ab? Yeah. So if I am using a thin wire for connecting the refrigerator with the main supply and current is passing through it, if 20 ampere current passes through it, it will melt off, no? So I'll use a thick wire there, so that it does not melt off easily. ठीक है? So please remember that people, the more the current carrying capacity of a wire or a fuse wire of a fuse, the thicker will be the wire. Remember that. ठीक है? ये रहा आपके सामने आखिरी लीडरबोर्ड. Let's see who's winning today. Oh la la! क्या बात है निजाम जी, बहुत बढ़िया. Fantastic. Nijam ji jeet chuke hain aaj ke liye. Nijam ji, congratulations. Very well done. We have Anushree, Arpita, Khwaish is there on the top 10. Now, Khwaish, well done. It's after a long time, beta. Now, knife is in hospital. Who stabbed you, beta? Batana mereko. Arre, Reddy ji, namaste. Very good. Ashish ji, bahut badhiya. Spandan, Utpat ji bhi top 10 aa chuke hain. Pehli baar, Spandan ji, bahut badhiya. Rit Kumar ji, bahut badhiya. Shreya Nair, fantastic. You all have done a fabulously amazing job. I'm going to take a picture of this and put it on the YouTube story right now. But people, before that, I can see that we are ending the session with 436 students. Now, since we are done with this session, let me summarize it very, very quickly, whatever we have studied very, very quickly. But before that, people, please tell me how many of you guys enjoyed it today completely. Give me a quick balle, give me a quick tarara. Everyone who are not on the leaderboard, it's absolutely fine. Salute to every one of you guys. Not a normal salute, but salute, bro. Well done, yaar. So everyone, congratulations. Hai na? Tara raya. Chalo. Now tell me, how many of you guys want to study the same way for every single day now, for the rest of the months which you have for your board examinations, in a very, very practical approach where you're focusing on 100% of knowledge and then focusing on 100% of marks? Because people in Vedantu, we know, we have just one vision ki har ek bacche ko kone kone se India se padhana hai aur unko 100% knowledge dena hai, aur hamare paas ye pura yakeen hai that every single one of the students has the capability to come out to be completely brilliant. Correct? So how many of you guys want to have this? Let me know quickly, very quickly. Correct? Yes? So in a very, very simple way, people, how to get this? In a very simple manner, the crash courses or the subscription has always been there, but crash courses for ICT strength is also started for the rest of the months which you have for the board examinations. And if in case you haven't enrolled in it yet, you are missing out on a lot. So what you need to do, people, and what you're going to exactly get, let me tell that to you in a very, very simple manner. If you're looking forward for unlimited live classes, where in every single class, you will have high-level quizzes and fun quizzes happening, where you'll be competing with students throughout the world, focusing on 100% of knowledge and also your score and trying to understand your ranking among all the other students. And you will also know what your strengths are, weaknesses are, everything will come to you. And then you're also focusing on the replays. What are those replays? When you have unlimited live classes ka option, you miss one or two classes. Miss ho jate hai na? So don't worry about them. They will also record all your classes bhi kar de jate, so that you can see them whenever you want. For example, in Harry Potter, Hermione Granger, Prisoner of Azkaban, she had a time turner through which she attended all the subjects. You have interactive replays here. You can go through any subject you wanted, wherever you wanted, whenever you wanted. And the best part is, it is interactive replay. You can play quizzes even in this replays. How amazing is that? And of course, needless to say, you'll be getting the notes of every session along with the handwritten notes of the teachers. Crazy amazing. We have recently started that on our channel now. So you can download the notes from the descriptions below. Within 24 hours of the sessions, this PDF which I've written everything, you will be able to download. Okay? Uske alawa, people, for all the CBSE students, we have NCRT solutions also created on our channel so that whenever you want it, you can watch those videos as well. Almost for every chapter it is done. So if in case you want specifically NCRT solutions on notes, it's there. Okay? It is there. Definitely check it out. Uske alawa, doubts is a major concern here. Hai na? You have two teachers inside your class
in the live classes, where there will be a master teacher, a class teacher. Master teacher will be learning with you guys. Class teachers will be dedicatedly solving your doubts along with the master teacher inside the class. And trust me when I say this, in the classes, 100% of doubts are cleared. Absolutely cleared. Karna kya hai? Just go on to the link in the description below. What you need to do? Just go on to the link in the description below. There will be a link in the description below. And I'll show that to you very, very quickly. It's a very, very simple thing to do. Hai na? Jaldi se dekh lo yahan pe bachcho. Yes. Great. Awesome. You see this? So there is a link here. Correct. There is a link here. YouTube pe jana hai. If in case you haven't subscribed to the channel, subscribe right now. Ye hamara jo session chal raha hai, session ke description mein chale jaoge. Aur 845 likes ho gaye people, hit the like button right away. Hai na? 1000 karte hai abhi. Subscribe to Vedantu Pro Now ka link hai. Is link pe click karo. है ना, यू हैव दी ऑप्शन. जो भी ग्रेड आप हो, ग्रेड चूज करो, जो भी बोर्ड में आप हो, बोर्ड चूज करो बच्चों, और ये आपके सामने हो जाएगा रिवीजन क्लासेस का सेम चीज यहाँ पे. सो व्हाट यू नीड टू डू, वंस यू गेट इनटू दिस, मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन दी वन मंथ सब्सक्रिप्शन, क्लिक ऑन दी वन मंथ सब्सक्रिप्शन, एंड वंस यू क्लिक ऑन इट, साइन अप, एंड वंस यू साइन अप, यू विल बी हैविंग दी ऑप्शन ऑफ एनरोलिंग इनटू दी कोर्सेस. एज यू कैन सी राइट नाउ 2700 का कोर्स चल रहा है, बट 2700 इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू पे. यू जस्ट नीड टू पे 2160 बिकॉज यू कैन अप्लाई माई कूपन कोड विच इज AKPRO. जैसे कूपन कोड अप्लाई करोगे 2700 का 2160 हो जाएगा, 2160. ठीक है, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स एंड ऑल, 250 क्लासेस पर मंथ यू विल एनीवेज टेक. यू हैव अनलिमिटेड, बट यू विल टेक मिनिमम 250. सो वंस यू डिवाइड 2160 बाय 250, यू गेट ₹9. एंड एज आई सेड ऑलवेज, इट्स लेस देन द लेस पैकेट. क्वालिटी एजुकेशन बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, बाय द बेस्ट कंटेंट कमिंग आउट, लेस देन द लेस पैकेट. तो एक महीने मत खाओगे, लेस नहीं खाओगे, स्नैक्स नहीं खाओगे, तो एजुकेशन फ्री है. ठीक है, अपने पापा मम्मी पे ज्यादा बोझ नहीं डालना, खत्म. बस लिंक द डिस्क्रिप्शन ऑन द पिन कमेंट. हो गया, चलो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ. लेट मी शो यू गाइस द होमवर्क फॉर यू गाइस टुडे. ये रहा आपका आज का होमवर्क. नेक्स्ट सेशन स्विचेस के बारे में चेक कर लेना. सो टू विच वायर शुड द स्विच एंड फ्यूज बी कनेक्टेड, ये आपका होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में जाए, मुझे कमेंट्स में इसका जवाब देना बच्चों, बिकॉज जो बच्चे कमेंट्स में जवाब देंगे उन बच्चों का नाम आएगा हमारे होमवर्क रॉकर्स में नेक्स्ट सेशन, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को. ठीक है, कमेंट्स नंबर वन होमवर्क आंसर, नंबर टू विच वॉज योर फेवरेट पार्ट टुडे, माई फेवरेट पार्ट वॉज टुडे ऑफकोर्स बिजली, नंबर थ्री एनी डाउट्स इफ इन केस यू हैव एनी फ्रॉम दिस टॉपिक टुडे. ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. सही, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट. यस, कितने होंगे लाइक्स पीपल, वी आर एट 860. Hit the like button right away. Let's cross 1000 likes right away. Chalo. The video is sponsored by Lays. Oh, I wish so. It is not though. Great. High five Kumar ji. High five beta. Sabko high five. Yaar, mujhe yahan pe ek bachcha dikha jiska naam hai Ali Tanoli ji. Ali Tanoli ji bahut der se bol rahe hai I am Muslim. So what? Let me know. So what? We have students here who are Muslims, Hindus, Christians, everyone. So what? Why do you guys come up with religious, you know, comments here? I really don't, you know, appreciate it, people. Come on. Hai na? Insan bol, I'm a human being. Then I'll be surprised. Oh, you're a human being. Aise bol. Theek hai? Comment mein bijli bhi likhna, bachcho. Haan, Mark ji, ye baat. Haan, comment mein bijli bhi zarur likhna. Sahi bol raha. Exactly, no dark stone. Exactly. Great. Bye, Aniket. Bye, enjoy. Thank you. Yes, 880 now. Sameer ji, you're Indian? Yes, that's the spirit. You're Indian, you're a human being. More than being an Indian, you're a human being. And that's what people should go up to, but that's a deep thing. If you understand good, well and good. Thank you so much, Joab. What's up? Pooja ji, namaste. Bye, people. Great. Abhi Ali ji keh rahe hai, kya Pakistani? So what, yaar? Hamare yahan pe bahut sare bachche aate hain, bahut sare countries se, so... क्या कर रहे हो यार, हाँ क्या कर रहे हो यार. आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यस वेरी गुड. ठीक है, तुसी ना जाओ. नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं. आर यू फ्रॉम अफगानिस्तान? सी, जोश इज फ्रॉम अफगानिस्तान, दैट्स अमेजिंग. सी, वी हैव फ्रॉम ऑल द कंट्रीज हियर, अमेजिंग. यू आर फ्रॉम अंडमान? सी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड. अपेरेंटली इट्स नॉट डिफरेंट कंट्री दो, बट या, ग्रेट. वी आर एनिमल्स? हाँ, वी आर फ्रॉम एनिमल किंगडम. ट्रू. वी आर ह्यूमंस, ग्रेट. ओके पीपल, ओके, सो आई एम गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन. There will be soon a very interesting teaser coming out. Look forward for it. There will be news for everyone there. CBSE 9th, CBSE 10th, ICSE. Check it out.
वेरी सून इट विल कमिंग. सस्पेंस. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन. मिलते हैं पीपल विद दैट एंडी सेशन टुडे. थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग लव एंड सपोर्ट. विल सी गाइस इन नेक्स्ट वन. अंटिल देन दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग. एंड इफ इन केस यू फील एनी वरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वन. पीस.